मेरे YouTube चैनल सुरभि सिंह ऑफिशियल पे। आप सभी लोग मेरे वीडियो को बहुत लाइक और पसंद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 6 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो हमें कभी भी भूल से भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका नुकसान आपको जीवन में जरूर कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसे 6 सीक्रेट्स के बारे में जो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले, आप अपनी कमजोरियां, अपनी वीकनेस कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति आपकी कमजोरियों के बारे में जान जाता है तो वो कभी ना कभी उन कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, उन कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरियां किसी के साथ शेयर ना करें। नेक्स्ट, अपनी असफलताएं। आप जब तक सफल ना हो जाएं, अपनी असफलता कभी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर लोग ये जान गए कि आप असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी असफलता की कहानियां लोगों को सुना सकते हैं, लेकिन सफल होने के बाद, उसके पहले नहीं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तीसरी ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, तो वो मैं कहूंगी कि आपका प्लान, आपकी स्ट्रैटेजी। आप ऐसी कौन सी योजना बना रहे हैं अपने भविष्य को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी लाइफ को लेकर, ये प्लान कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग आपके प्लान को कॉपी कर लेते हैं और आपके इम्प्लीमेंट करने के पहले वो इम्प्लीमेंट करके उसका फायदा लेते हैं और आप उनको देखते ही रह जाते हैं। इसलिए कभी भी अपना प्लान किसी के साथ शेयर ना। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, कभी भी फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई चीट हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो ये बात आप किसी के साथ शेयर ना करें। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये जान जाता है कि आपके साथ किसी ने किसी प्रकार का चीटिंग या फ्रॉड किया है, तो मे बी उसके मन में भी ये भाव आ सकता है कि वो भी आपको उसी तरह से दोबारा चीट और फ्रॉड करे। तो कभी भी अपने मिले हुए चीट और फ्रॉड को किसी के साथ शेयर ना करें। नेक्स्ट, मैं आपसे बात करूंगी कि कभी भी अपनी पर्सनल चीजों को किसी के साथ शेयर ना करें, जैसे आपका एटीएम कार्ड का पिन है, क्रेडिट कार्ड का पिन है, आपका फंड क्या है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, या अगर आपके पास किसी तरह से आपका ऊपर कर्ज है, तो ये भी हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, मैं बात करूंगी कि अपना नेक्स्ट मूव, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, अगली चाल क्या है, आप अगला कौन सा स्टेप लेने वाले हैं टुवर्ड्स योर लाइफ एंड योर बिजनेस, ये भी कभी किसी के साथ शेयर ना करें। क्योंकि जब लोगों को आपको ये अगली चाल का पता होता है, तो वो कोई ना कोई रोड़ा अटकाने का प्रयास जरूर करते हैं। ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते, वो कहने को तो आपके मित्र होते हैं, बट वो आपकी सक्सेस को पसंद नहीं करते हैं। तो कभी भी उनके साथ अपना नेक्स्ट मूव शेयर ना करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और आप मुझे जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, ताकि आपके लिए मैं वो वीडियो जरूर बनाऊं। थैंक यू।